पादप को तीन भागों में बांटा, जड़, तना और पत्ती। अब आप बोलोगे कि पत्ती जो होती है वो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाती है। पत्ती जो होती है वो वायु वातावरण में चारों ओर फैलती रहती है। इसको सबसे पहले हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अन्य प्रकार की गैसें पाई जाती है। उसमें से एक जो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे जीवन की या प्राण वायु कहलाती है। ऑक्सीजन जो होती है हमारे श्वसन की क्रिया में सहायक होती है और उसी के साथ और भी बहुत सारे जो होते हैं जीव जंतु, उन सभी को क्या होता है, जिस प्रकार से हमें भोजन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है उसी प्रकार से हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन के बिना जो हमारा जीवन है वो संभव नहीं है। प्रत्येक सजीव जो होता है उसको जीवित रहने के लिए श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O से प्रेजेंट करते हैं। कल बताया था मैंने कि ऑक्सीजन को किससे प्रेजेंट करते हैं, O2 से। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CO2। ये वाली गैस भी कहां उपस्थित होती है, हमारे वायुमंडल में चारों तरफ उपस्थित होती है। उसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.03%। कल मैंने बताया था कि नाइट्रोजन वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, उसमें से फर्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 0.03%। और उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था अन्य। अन्य में बहुत सारी गैस आती है, ये जब आप बड़ी क्लास में जाओगे उसके बाद समझ में आएगा। अन्य में बहुत सारी जो होती है उसकी प्रतिशत मात्रा होती है 0.097%। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती है, आप पत्ती जो है वो अपना भोजन कैसे बनाती है, पत्ती जो होती है, पादप जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पादप जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बाकी हम जो है वो अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर करते हैं, प्लांट्स के ऊपर या पादप के ऊपर, पादप और पादप से मिलने वाली अन्य वस्तुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये जो है पत्ती वाला था, यही पे पत्ती बना के बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। पादप कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, जड़, तना, पत्ती। और हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें जो होती है वो विद्यमान होती है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। कौन सी गैस कितनी प्रतिशत होती है, ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत होती है, और अन्य गैस कितनी प्रतिशत होती है, ये सारे मैं पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, पत्ती जो होती है वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, और अपने भोजन के लिए क्या करती है, जैसे ये पत्ती, कल मैंने पत्ती की स्ट्रक्चर बताई थी, ये वाला भाग क्या कहलाता है, मध्य शिरा, ये क्या कहलाता है, शिरा, ये क्या कहलाता है, पर्ण फलक, और ये शीर्षक भाग कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अनेक प्रकार के क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती में अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं या रंध्र पाए जाते हैं। इन वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और जल जो होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल कार्बन डाई विभिन्न प्रकार की गैसें भी होती है, जल भी होता है, खाद्य पदार्थ भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं। खनिज लवण जो होते हैं वो मृदा में उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार की जो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है, कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, खनिज तत्व कहते हैं या खनिज लवण कहते हैं। और वो जो होती है जड़े द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। जड़े द्वारा क्या किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। जड़े जल का अवशोषण करके तने तक पहुंचाता है, और तने से होते हुए
पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है जल का, वो किसका होता है? जड़ का होता है। फिर उसके बाद पत्ती जो होती है वो वायुमंडल में चारों तरफ फैले रहते हैं, जैसे पेड़ होता है, पेड़ तो आप सभी ने देखा होगा, और ये कहाँ उपस्थित होता है? वायुमंडल में, ठीक है। और इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। ये कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? पत्ती जो होती है वो कौन सी गैस को ग्रहण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को, या कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इनको कहाँ से प्राप्त होती है? वायुमंडल से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो पत्ती को कहाँ से प्राप्त होती है? वायुमंडल से। और जल कहाँ से प्राप्त होता है? जड़े द्वारा। जल जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? जड़े द्वारा। जड़े द्वारा जल का अवशोषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कहां से प्राप्त होती है? वायुमंडल से। समझ में आया? इसको भोजन बनाने के लिए पत्ती, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। और अपने भोजन बनाने के लिए इनको किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? अपन जब खाना बनाते हैं तो उसके लिए हमारे को अनाज भी चाहिए, फल सब्जियां दालें वगैरह सब चाहिए, तो इनको किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है? जल। अब ये अपना जो भोजन होता है ये कौन सी गैस ग्रहण करता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, और एक कौन सा दूसरा ग्रहण करता है? जल ग्रहण करता है। जल जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? इनको जड़े द्वारा। जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। जड़े द्वारा जल का अवशोषण होता है। अवशोषण करने के बाद ये पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है किसका होता है? जड़ों का होता है। और वायुमंडल से ये क्या प्राप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये आपस में क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा कौन सा है? जल। ये आपस में क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जो है वो अगला चैप्टर जो भी आएगा ना, तुम्हारा फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, सेवन क्लास में फोर्थ चैप्टर है, उसके अंदर आएगी अभिक्रिया जो होता है। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन में आगे मैं बता दूंगी, अभी फिलहाल अभी ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसी को अपन क्लियर करते हैं, ठीक है। पत्ती जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषण करती है, और अवशोषण करने के बाद ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, और अपना जो भोजन जो बनाते हैं उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। ये दोनों जो अपने रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन गैस। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होती है उसको बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये जो छिद्र होते हैं, अभी मैं पत्ती की जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है ये समझा। पत्ती जो होती है लीफ, ठीक है, लीफ जो होती है उसको हम काटते हैं, और काटने के बाद जब उसको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो उसकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार की नजर आती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इस वाली ये जो खुला हुआ भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? द्वार। जैसे हमारे घर में कोई आता है, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है या गेस्ट आता है, तो हम क्या करते हैं? गेट खोलते हैं,
अपना जो घर का मेन गेट होता है उसको बोलते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, और घर के जो गेट होते हैं उसके और क्या क्या प्राइवेट जो होते हैं द्वार, ठीक है, उसी आधार पे इसका नाम भी क्या रखा गया, द्वारपोषी। जैसे घर में गेट होता है अंदर आने के लिए क्या होता है गेट होता है, उसी प्रकार से जो पत्ती होती है उसकी स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्म दर्शी में देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना नजर आती है। और ये जो संरचना होती है उसमें ये वाला जो खुला हुआ भाग होता है उसको कौन सी कोशिका कहलाती है, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका होती है। और साथ में इसमें क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छिद्र या रंध्र। रंध्र को और क्या बोलते हैं, छिद्र, छिद्र या आम भाषा में अपन कह सकते हैं छिद्र। ये वाला जो भाग होता है वो कौन सा कहलाता है, इसमें हरा हरा हरे रंग का जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। आपने देखा होगा कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका रंग कैसा होता है, हरा कलर का। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, खून जो होता है, रक्त जो होता है वो कौन से कलर का होता है, लाल कलर का। लाल कलर का जो होता है वो किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और पत्तियों में जो हरा रंग प्रदान होता है, पत्तियों के अंदर जो हरा रंग प्रदान होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। कौन सा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से कौन सा रंग प्रदान होता है पेड़ पौधों में, हरा रंग। आई बात समझ में, पत्ती जो होती है उसको हम काटते हैं और काटने के बाद जब उसको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्म दर्शी में देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना नजर आती है। उसमें एक द्वार कोशिका होती है, कौन सी कोशिका होती है, द्वार कोशिका होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ये द्वार कोशिका जो होती है वो क्या होती है, खुल जाती है। प्रकाश संश्लेषण की आपने देखा होगा सुबह सुबह जब होते हैं फूल जो होते हैं उनकी कलियां इस तरह की होती है, वो क्या होती है, खिल जाती है, ठीक है। इस तरीके की जो होती है वो क्या होती है, खिल जाती है। उसी प्रकार से जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब होता है अपना भोजन स्वयं बनाना, उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये द्वार कोशिका जो होती है वो खुल जाती है। और खुल जाने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। चारों तरफ इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्र की सहायता से ये कौन सी गैस ग्रहण कर लेते हैं, देखो अंदर का मतलब होता है ये कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में जड़े जो होती है, जड़े द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जड़े द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण हो जाता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, एक जल आ गया, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। देखो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, साझा करते हैं, या एक दूसरे के क्या होते हैं, परम मित्र होते हैं। हमारी आवश्यकता की चीजें हम इनसे प्राप्त करते हैं और इनकी आवश्यकता की चीज ये बच्चे में हमारे से प्राप्त करते हैं। आया या कुछ समझ में, हाँ। द्वार कोशिका का कार्य क्या होता है, जब इसका द्वार खुलता है, गेट खुलता है, तो द्वार कोशिका जब खुलती है तो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, ये गैसों को ग्रहण करता है, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है। गैसों को ग्रहण, गैस को ग्रहण किया, जल को ग्रहण किया और जल के साथ खनिज पदार्थ को भी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। इसकी क्रियाविधि में जब अपनी यहाँ लिखूंगी इसके बाद तब आपको बताऊंगी, ठीक है। और पत्तियों का जो हरा रंग होता है, पत्तियों का कौन सा रंग होता है, हरा रंग। दिख रहा है ना सबको, समझ में भी आ रहा है ना, ये पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। किसकी उपस्थिति से होता है, क्लोरोफिल।
मैंने आपको पहले भी बताया होगा हमारे शरीर का जो ब्लड होता है रक्त होता है वो लाल जो होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। उसी प्रकार पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि याद रखती हूँ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं, जड़े द्वारा किसका अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती है उसमें से कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जल को ग्रहण करते हैं किसके द्वारा, जड़ों द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो वातावरण से प्राप्त करते हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ये जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं वो किसकी उपस्थिति में करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो किसकी उपस्थिति में करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में, और सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। जब तक सूर्य की उपस्थिति नहीं होगी तब तक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सूर्य की उपस्थिति में और साथ में पेड़ पौधों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, वर्णक का मतलब होता है रंग, वर्णक का मतलब क्या होता है, रंग। रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि किससे कहते हैं समझाइए। इस प्रकार का आपके पास जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि किससे कहते हैं समझाइए, तो सबसे पहले हमें इसको जैसे मैंने आपको सरल लैंग्वेज में बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, जड़े द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, और वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य की उपस्थिति, अपना भोजन जो बनाते हैं वो किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में, और साथ में पेड़ पौधे में कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से उनका रंग जो होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। जब ये दोनों आपस में समझ में आया, ये और ये दोनों जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और साथ में कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस। साथ में कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हम श्वसन की क्रिया में ग्रहण करते हैं। ये जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में ग्रहण करते हैं। श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, और ये जो होती है वो हमारी प्राण वायु कहलाती है। हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। उसी प्रकार हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की भी, ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव है क्या, नहीं ना। हम जो सांस लेते हैं, उसमें कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमारे लिए क्या होती है, प्राणवायु गैस। क्या होती है, प्राणवायु। समझ में आया, एक बार और देख लो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि जल, और जल जो होता है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, जड़े द्वारा। किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, जड़े द्वारा, और वायुमंडल में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की उपस्थिति
में ये जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन के रूप में, क्या बनता है इनको कार्बोहाइड्रेट, और साथ में कौन सी गैस मुक्त होती है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। वो ऑक्सीजन जो होती है वो जितने भी इस प्रकृति में जितने भी प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। आएगा समझ में? देखो हमारे पास आस पास के जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं वो अपने जीवन जीवित रहने के लिए उनके विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी। अब मैं बताती हूँ पादपों में जो पोषण की विधि है, पादपों में जो पोषण की जो विधि होती है यानी भोजन ग्रहण किस प्रकार से करते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण का मतलब होता है भोजन की क्रिया करना। अब भोजन की क्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें से कुछ जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पहले मैं ही बता देती हूँ पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण पोषण की परिभाषा। सजीवों द्वारा साथ में कॉपी पेन लेके बैठना और जो भी मैं परिभाषा लिखाती हूँ, जो भी मैं यहाँ पे जो भी वर्क कराती हूँ, वैसे तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, इसके अलावा भी आपको नोट करते रहना है, नोट कॉपी ले सकते हो। पोषण की परिभाषा किसे कहते हैं, सजीवों द्वारा, लिखते जाओ साथ साथ में, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की पोषण की परिभाषा किसे कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की एवं उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। भोजन सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं यानी खाना जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है, पोषण जो होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है, पोषण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पादपों में जो पोषण होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से।
यहाँ तक समझ में आया ना? सबसे पहले देखो पोषण की परिभाषा, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की एवं उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं इससे जहां तक पढ़ाया वो पढ़ना एक बार, और उसके बाद स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है इसके आगे से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है।